नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिलाष पाटिल और मैं स्वागत करता हूँ मेरे चैनल गेम ऑफ कैंडल्स में। तो बहुत दिनों बाद वीडियो डाल रहा हूँ, कुछ पर्सनल रीजंस, जैसे पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था कि कुछ रीजंस की वजह से नहीं डाल पा रहा हूँ, बट आने वाले ये संडे से पकड़ लीजिए कि रेगुलर आपको मार्केट एनालिसिस का वीडियो आएगा, मोटिवेशनल वीडियोज़ आएंगे, इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आएंगे ये चैनल पे। उसके बाद आपको जो भी मैं साइकोलॉजी रिलेटेड पहले वीडियो डाला करता था वो साइकोलॉजिकल सीरीज़ फिर से कंटिन्यू होगी। तो माफ़ी चाहता हूँ, बहुत दिन से वीडियो नहीं आ रहे, बट अभी भी बहुत जनों का प्यार दिखाई देता है और लगता है कि कुछ 5 जन होंगे, 10 जन होंगे या 2 जन होंगे, सच में एक जेन्यून मैंने जो है वो सब्सक्राइबर गेन किया है, होंगे 20,000-22,000 सब्सक्राइबर। बस उसमें से अगर 22,000 में से 2 भी सब्सक्राइबर में मुझे अगर पूछते होंगे सर आपका वीडियो नहीं आ रहा है तो अच्छा लगता है। ठीक है, ये तो हो गई बात, बट आज का वीडियो इसलिए डाल रहा हूँ कि बहुत दिनों से मैंने PNL शेयर नहीं किया था। तो वैसे तो आपको पता ही है, जो मुझे जानते हैं, जो नहीं जानते उनको बता देता हूँ कि मैं कोविड के टाइम का ट्रेडर हूँ, यानी कोविड में ही एंटर किया था मैंने मार्केट में। तो तब से लेकर जो है वो आज भी मार्केट को सीख रहा हूँ और अच्छा खासा हो रहा है अर्निंग, प्रॉफिटेबल हूँ। प्रॉफिटेबल इन द सेंस, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऑप्शंस ट्रेडिंग ही आप पकड़ेंगे, उसमें स्विंग ट्रेडिंग पकड़ लीजिए, लॉन्ग टर्म पकड़ लेंगे, म्यूचुअल फंड पकड़, ठीक है, म्यूचुअल फंड SIP वगैरह भूल जाइए, लॉन्ग टर्म, जो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग होती है 1 month, 2 month, 3 months, 6 months या फिर स्विंग ट्रेडिंग होती है या फिर ऑप्शंस ट्रेडिंग, सब कुछ उसमें मिक्स कर लीजिए। मार्केट से पैसे कमा रहा हूँ, बस इतना बोलना चाहूँगा। मेरे घर में सभी, मैंने बहुत बार बताया बहुत से वीडियोज़ में कि मेरे घर में सभी जन ट्रेडिंग करते, पूरे फैमिली मेम्बर्स ट्रेडिंग करते, हर एक जन यानी ऑप्शंस ट्रेडिंग नहीं करते होंगे बट स्विंग ट्रेडिंग तो हर कोई ही मेरे यहाँ पे करता है। और ये जो आपको बोल रहा हूँ कि मार्केट जुआ है या लोग बोलते हैं मार्केट बदनाम है या फिर लॉसेस ही लॉसेस आप देख रहे होंगे, अगर आप खुद अगर लॉसेस में होंगे तो खुद से पूछ के देख लेना या फिर उन लोगों से पूछ के देख लेना उन्होंने क्या ट्राई किया था। ये जो मार्केट है, स्टॉक मार्केट जो है वो ऑप्शंस ट्रेडिंग के वजह से बदनाम है। ऑप्शंस ट्रेडिंग अगर आप कर रहे होंगे तो 90% जो SEBI का डेटा है, लोगों का डेटा है, जो ब्रोकर्स का डेटा है, ब्रोकर्स हमें जो नोटिफिकेशन देता है खोलते से ही अकाउंट कि 90% लोग वो FNO का डेटा है। ये बात बहुत लोग समझ नहीं पाते, सिर्फ 90% लोग इसमें फेल होते हैं, ये बात को एक्सेप्ट कर लेते हैं और बस ऑप्शंस ट्रेडिंग ही करते रहते हैं। स्विंग ट्रेडिंग आपने, मैं बहुत से वीडियो में बताते रहता हूँ कि स्विंग ट्रेडिंग ट्राई करो, आपको मार्केट से प्यार हो जाएगा। या फिर स्विंग ट्रेडिंग में अगर 1 लाख रुपये तो ऑप्शंस ट्रेडिंग में सिर्फ 5,000 से 10,000 रुपये ही डालो, या स्विंग ट्रेडिंग में 10 लाख रुपये तो ऑप्शंस ट्रेडिंग में 1,50,000 रुपये ही डालो, जिससे क्या होगा कि अगर आपका ऑप्शंस ट्रेडिंग में लॉस भी हो रहा होगा तो वह स्विंग ट्रेडिंग से कवर हो जाएगा। कितने बार बताते रहता हूँ। तो ये मार्केट का जो नाम बदनाम है ये सिर्फ ऑप्शंस ट्रेडिंग के लिए बदनाम है, स्विंग ट्रेडिंग से आप अच्छा खासा इनकम कर सकते हो। आज मैं आपको इस वीडियो में पूरा मम्मी का PNL, बहुत बार मैं हमेशा आज तक मैंने जो भी वित्तीय वीडियो डाले हो जिसमें भी PNL डाला है उसमें सिर्फ मम्मी का PNL शो किया है, क्योंकि उसमें मुझे ये बताना होता है कि जो सिर्फ एंड्रॉयड मोबाइल यूज़ करना जानता है, अब कितने लोगों की मम्मियाँ जो है वो ट्रेड करती होंगी या कितने लोगों की मम्मियाँ जो है वो ये Zerodha में अकाउंट होगा। तो इसके लिए मुझे एक लगता है कि लोगों को भी एक मोटिवेशन मिले, एक आम ऐसा लोगों को महसूस हो कि हर कोई कर सकता है। तो मम्मी पप्पा जो मम्मी का अकाउंट शेयर करते रहता हूँ, तो मम्मी ऑप्शंस ट्रेडिंग नहीं करती है, प्योर स्विंग ट्रेडिंग करती है इसलिए, और उसमें 7-8 लाख रुपये यानी वो तो 1-2 लाख रुपये से चालू किया था अकाउंट, धीरे धीरे ग्रो हो रहा है। तो अब ऐसा समझ लीजिए 7-8 लाख रुपये जो उसमें से कुछ विड्रॉल भी होते रहता है, 7-8 लाख रुपये से ट्रेड होता है और उसमें आपको ये पूरे साल का PNL यानी अभी तक ये 2024 का जो जून महीना चल रहा है यहाँ तक का जनवरी से पूरा बता दूंगा। इसके पहले भी बहुत बार शेयर कर चुका हूँ मैं बहुत से इस वीडियोज़ में PNL, तो ये भी बहुत दिनों बाद कर रहा हूँ तो देख लेना। और बताना यही था कि स्विंग ट्रेडिंग से पैसा बनता है, बाकी जिसको कुछ बेचना होता है या फिर किसी को कोर्स बेचना होता है वो आपको मल्टीपल यानी या आपको फेक करके बताएगा या फिर कुछ एडिट करके बता देगा, इसमें एडिटिंग वगैरह भी कुछ नहीं है। और
मैं बहुत सी बार रहने PNL वाला वीडियो डालता ही नहीं हूँ, जब मुझे ऐसा लगता है कि सच में डाल देना चाहिए या फिर कुछ डालने को नहीं होता है मेरे पास, कुछ टॉपिक ही नहीं बचता है या फिर आज सोचता हूँ किस पर वीडियो डालूँ, तब मुझे लगता है तो तब मैं डाल देता हूँ। तो देखना चाहिए वीडियो, तो पहले PNL देख लेते कि कितना कमाया है ये साल भर में। ठीक है, तो आपको यहाँ पे कंसोल वाली स्क्रीन दिख रही होगी, इसको पहले रिफ्रेश कर लेता हूँ, यानी कोई डाउट ना रहे कि रियल टाइम है या नहीं है। ठीक है, यहाँ पे 1 जून की तारीख सिलेक्ट कर लेता हूँ, पहले ये महीने का देख लेते हैं, बाद में आगे का डिस्कस करेंगे। तो ये महीने में लगभग 50,000 के आसपास बना है, जो भी कुछ चार्जेस वगैरह जो भी कुछ है वो आपके सामने, ऑर्डर्स वगैरह जो भी कुछ है तो यहाँ पे दिख रहा होगा। उसके बाद आगे के मंथ भी दिखा होगा, बट कुछ बोलना चाहता हूँ कि ये कुछ एडिटेड वगैरह नहीं है, जो लोग आप जैसा लोगों का विश्वास उठ चुका है ये PNL वगैरह ये वो, तो पॉजिटिव लेना सब कुछ, कुछ लोग होंगे निगेटिव भी ले सकते हो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बट इसके पीछे का मोटिव जो है वो यही है बस, कुछ बहुत दिनों से वीडियो नहीं डाला था तो क्या सोचा कि क्या किस के ऊपर डालना चाहिए, तो सोचा शेयर ही कर दूँ। वैसे मैं डालता नहीं हूँ, उसके पीछे के 2-3 रीज़न है, क्योंकि किसी को प्रूफ नहीं करना है, पहली बात तो कि मैं कमा रहा हूँ, क्योंकि कुछ बेचना ही नहीं है, कोर्स वगैरह कुछ सेल नहीं करता हूँ, एक बेसिक सा टेक्निकल एनालिसिस वाला कोर्स मैंने अपलोड करके रखा है, बहुत दिनों से लिंक भी शेयर करते रहता हूँ, तो वो भी किन लोगों के लिए जो एकदम नए हैं और बस जिनको कहाँ से शुरुआत करनी चाहिए या फिर क्या सीखना चाहिए, बस उनके लिए वो कोर्स वगैरह जो है वो बनाया है, यानी जिसको कुछ भी पता नहीं है, पूरा बेसिक से लेके यानी मार्केट होता क्या है, शेयर्स क्यों उसको शेयर से क्यों बोलते हैं, स्टॉक्स को स्टॉक्स क्यों बोलते हैं, ऐसी सब एकदम सिंपल चीज़ें उसमें बताइए। कुछ एडवांस लेवल का कोर्स भी बेच नहीं रहा हूँ, कुछ कॉल टिप्स नहीं देता हूँ, तो मुझे कुछ प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए कुछ बताता नहीं हूँ, शेयर नहीं करता हूँ। उसके बाद दूसरा रीज़न ये भी है कि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि ये जब PNL वगैरह कुछ शेयर करते हैं ना, तो आसपास के लोग या जो लोग पहचान के लोग हैं या फिर कुछ भी बोल लीजिए, एक जो नज़र वाला ये है, अभी इतने में कुछ रील्स भी वायरल हुए थे या फिर बहुत से लोगों से अच्छे अच्छे लोगों से सुनने को मिलता है कि ये नज़र वाली जो चीज़ होती है वो रियल होती है, नज़र लग जाती है, या फिर हम ऐसा मैं मानता हूँ, गलत भी हो सकता हूँ, बट कहीं ना कहीं ऐसा मन में चलते रहता है, इसलिए कुछ शेयर नहीं करता हूँ। बट जो भी कुछ है, जिसको जो समझना है वो समझ सकता है। अब यहाँ पे दूसरे वाले मंथ का भी देख लेते हैं, 1 मंथ का, ये मई महीने का देख लेते हैं, मई महीने का लगभग देखेंगे तो कितना, 1 मई से तो 31 मई तक, ठीक है, ये पूरा मई मंथ है, यहाँ पे दिख रहा होगा तारीख, तो ये महीने में 1.5 लाख हुआ था, यानी पिछले वाले महीने में, तो यहाँ पे चार्जेस भी देख सकते हो जो भी कुछ है, तो 1.5 लाख और ये पकड़ लीजिए, यानी ये अभी 1.5 महीने में 2 लाख के आसपास पहुँच गया हूँ। बाकी हर महीने कुछ ना कुछ इनकम हो जाती है, जैसे आपको बोला था साल भर का बता दूंगा, तो डायरेक्ट आप साल भर के ऊपर ही चलते हैं, 1 जनवरी से लेके तो 14 जून तक, ठीक है, जून महीना चालू है, 14 जून तक आ जाएंगे, तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि साल भर का जो भी कुछ है, यानी कुछ मंथ कम होगा हुआ होगा, कुछ मंथ ज़्यादा हुआ होगा, यहाँ पे आपको एक रेड डब्बा भी दिख रहा होगा, वो लॉस देख लीजिए, 200 रुपये का लॉस है। तो ये जो है मम्मी जो है वो लैपटॉप भी यूज़ नहीं करती है, कुछ नहीं यूज़ करती है, मोबाइल पे स्विंग ट्रेडिंग करती है, मोबाइल पे सिंपल स्ट्रैटेजी जो है वो स्टॉक कैसे सिलेक्ट करना, सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है और मोमेंटम वाले स्टॉक कैसे पकड़ना, यानी अगर ऑल टाइम हाई से कहीं कोई स्टॉक ब्रेकआउट दे रहा है तो उसको कैसे पकड़ना, बस ऐसी सिंपल बातें कुछ बता रखी है मैंने और सिखा रखी है मम्मी को, बस उस पे से वो अपने एंड्रॉयड मोबाइल यूज़ करते आता है, तो बस उस पे से बाइंग सेलिंग आती है तो हो जाता है। तो जो सिंपल चीज़ें और वो फुल टाइम भी नहीं करती है, बस पार्ट टाइम कुछ ना कुछ करना है, कुछ अमाउंट डाल के रखा है तो बस उस पे कर लेती है, तो यहाँ पे कैपिटल भी कुछ ज़्यादा यूज़ नहीं हुआ, 7-8 लाख रुपये यूज़ हुआ होगा, ऐसा पकड़ लीजिए 8 लाख के आसपास यूज़ हुआ होगा बाकी आपके सामने। और ये अमाउंट अभी किसी लोगों को ज़्यादा लग सकती है, किसी लोगों को कम भी लग सकती है कि अरे क्या कुछ भी नहीं, 20,000 रुपये महीना एवरेज ऐसा, 30,000 रुपये महीना, या फिर अभी ये बिजनेस है, पहली बात तो कभी ज़्यादा कभी कम ये तो चलता रहेगा, बट किसी को कुछ प्रूव नहीं करना है, किसी को कम लगो ज़्यादा लगो, बस एक एवरेज इंजीनियर जो साल भर में एवरेज इंजीनियर 3.5-4 लाख का पैकेज गिराता है, वो अभी 5-6 महीने में हो गया है मेरा, यानी ये महीना ये साल 7-8 लाख 6 लाख का भी पैकेज हो गया, तो बहुत हो गया। और ये तो सिर्फ एक ही अकाउंट हो गया, यानी ये मम्मी का अकाउंट हो गया, पप्पा का अलग है, बहन का अलग है, वाइफ का अलग है, मेरा अलग है, मेरा ऑप्शन ट्रेडिंग भी चलता है, तो बाकी के सब अकाउंट मिला के लगभग, अब वो कैलकुलेशन आप कर लेना, वही जो है वो डर रहता है कि नज़र ना लग जाए या बाकी चीज़ें होती है,
बट यहाँ पे कुछ प्रूव नहीं करने आया हूँ, बस डालना था, कुछ मोटिवेशन देना था और एक बोलना था कि ऑप्शन ट्रेडिंग जो है वो अगर नहीं दे पा रही होंगी प्रॉफिट तो ठीक है बंद कर दीजिए, जो है अपना ये शुरू कर दीजिए, स्विंग ट्रेडिंग करना शुरू कर दीजिए। स्विंग ट्रेडिंग में है इनकम, ऐसा मान लीजिए आप 1 लाख रुपए लगाते हो तो मिनिमम 5,000 तो भी आप आराम से निकाल सकते हो आपको अगर सही तरीका पता लग गया तो, ठीक है। बाकी बाहर के वीडियो में मिलता ही हूँ मैं। और एक चीज़ बोलना चाहूँगा पहले तो, कि ऑप्शन ट्रेडिंग या फिर ये स्टॉक मार्केट जो है वो ऑप्शन ट्रेडिंग के वजह से नाम खराब है या लॉसेस होते हैं या लोगों के पैसे लूट जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं। बाकी स्विंग ट्रेडिंग करोगे तो आपको मार्केट से प्यार हो जाएगा और ऐसा लगेगा कि मुझे ये पहले क्यों नहीं पता था, कई सालों पहले क्यों नहीं पता था। या म्यूचुअल फंड SIP करोगे कि पछताओगे कि मुझे ये काश 10 साल पहले पता होता। तो इसलिए नहीं हो रहा होगा ऑप्शंस, ये क्या बोलते हैं इसमें, ऑप्शन ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल, तो स्विंग ट्रेडिंग कर लीजिए। या फिर आपके पास बड़ा अमाउंट है तो छोटा अमाउंट आप ऑप्शन ट्रेडिंग में ट्राई कर सकते हो। यानी 1 लाख रुपए है स्विंग ट्रेडिंग के लिए तो आप 10,000 रुपए ज्यादा से ज्यादा ऑप्शन ट्रेडिंग में डालिए, यानी वो 10,000 रुपए महीने के चले भी जाते हैं तो ये स्विंग ट्रेडिंग से कवर हो जाएंगे। बाकी बाहर के वीडियो में मिलता ही हूँ। ठीक है, तो आपने PNL वीडियो देख ही लिया होगा, जो भी कुछ PNL है वो शेयर कर दिया। तो इस वीडियो बनाने का जैसे मैंने बताया कि मोटिव यही था कि सबको मोटिवेशन मिले, और यही बताना था कि ऑप्शन ट्रेडिंग अगर आप कर रहे होंगे, कंटिन्यूस लॉसेस कर रहे होंगे तो स्विंग ट्रेडिंग ट्राई करके दीजिए। बोरिंग लगेगा, ऑप्शन ट्रेडिंग के जैसा नहीं है जिसमें एक्साइटमेंट हो या फिर ये बोरिंग है, बट पार्ट टाइम या फिर आप एक एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम या आपके खर्चा वगैरह सब कुछ निकाल सकते हो, ठीक है। तो और ये भी बात है कि जब से मैं ये यानी कोविड से कर रहा हूँ, अभी 4, 4.5 साल हो रहे हैं, तो अगर कुछ अर्निंग नहीं होती या फिर मुझे नहीं नज़र आता तो कब का मैंने बंद कर दिया होता, क्योंकि या फिर दूसरा कोई बिजनेस कर रहा होता, ये पीछे इतना बड़ा सेटअप या फिर ऐसा कुछ फुल टाइम नहीं कर रहा होता। सच में अगर कंटिन्यूसली लॉसेस में होता तो दूसरा कुछ एखादी दुकान डाल के बैठ जाता, बट या फिर कहीं पे जॉब कर लेता, बट ये क्यों कर रहा हूँ, कुछ ना कुछ होगा इसीलिए ना। तो नहीं अगर बन पा रहे होगे आप ऑप्शन ट्रेडिंग में, सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे होंगे, जल्दी से जल्दी नई सीरीज़ भी शुरू करने की कोशिश करूँगा जिसमें लाइव ट्रेडिंग के वीडियोस भी डाला करूँगा कि छोटे कैपिटल को कैसे ग्रो किया जा सकता है और खुद मैं कैसे ग्रो करता हूँ या कर रहा हूँ, वो भी आपको PNL के साथ सब कुछ शेयर करना करूँगा आगे जाके। बट अगर नहीं हो पा रहे होगा तो स्विंग ट्रेडिंग ट्राई कीजिए, आपका विश्वास आपको मार्केट से प्यार हो जाएगा और कुछ ना कुछ आप खर्चा पानी जो है वो आराम से निकाल पाओगे, ठीक है। आप कहीं जॉब करते होंगे, इंजीनियर होंगे, डॉक्टर होंगे, कुछ भी जहीं पे भी कहीं पे भी जॉब करते होंगे, थोड़ा फार बचा के SIP म्यूचुअल फंड भी कर सकते हो। बाकी इस संडे से डेली रेगुलर वीडियो आ जाएगा, मार्केट एनालिसिस हो या अदर भी जो भी साइकोलॉजी रिलेटेड जो भी वीडियोज़ है वो डालता था, जो कंटिन्यू करूँगा, लर्निंग आपको मिलता रहेगा ये आने वाले दिनों में। और बाकी तो कुछ नहीं, आप पहली बार अगर वीडियो देख रहे होंगे तो कुछ साइकोलॉजी सीरीज़ है उसमें से कुछ वीडियो देख लेना, आपको कुछ हेल्प हो जाएगी। उसके बाद सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर देना, अगर वीडियो अभी तक देख रहे होगे तो थैंक यू सो मच, लाइक कर देना वीडियो को, इससे क्या होता है रीच मिलती है, बस सब्सक्राइबर बढ़ते, बाकी और कुछ नहीं। तो नए होंगे तो सब्सक्राइब लाइक शेयर कर देना, बाकी ऑलरेडी अगर सब्सक्राइब किया होगा तो वीडियो को लाइक कर देना, कुछ डाउट होगा तो कमेंट कर सकते हो, कुछ पूछना चाहते हो तो कमेंट कर सकते हो। बाकी मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।